आईफोन बनाने वाली कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भारत में लगाने जा रही है प्लांट। आइए जानते हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत और किन राज्यों की सरकारों से चल रही है बातचीत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए घरेलू कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने पर फोकस कर रही है। अब एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार करने का फैसला लिया है। ताइवान की है कंपनी भारत में कुछ राज्य सरकारों से इस संबंध में बातचीत भी कर रही है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फॉक्सकॉन कई ब्रांड के लिए ईवी की मैन्युफैक्चरिंग करेगी या फिर किसी एक के साथ जॉइंट वेंचर साइन करेगी। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि फॉक्सकॉन की योजनाओं पर चर्चा के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही ताइवान जाएगा। कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन के प्रोडक्शन लाइन की स्थापना के साथ भारत उसके कारोबार में बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जिसका सीधा सा मतलब है कि फॉक्सकॉन ईवी स्पेस में भारत में कुछ बड़ा करना चाहती है। कंपनी ने पहले ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए एथर एनर्जी के साथ टाई अप कर रखा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ताइवान की ये कंपनी ईवी कारों के लिए एक दिग्गज भारतीय ऑटो कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के प्लांट की बात करें तो पिछले साल फॉक्सकॉन के शीर्ष अधिकारी भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने ईवी प्लांट पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों से मुलाकात की थी। फॉक्सकॉन के प्लांट की जानकारी रखने वालों का कहना है कि कंपनी महाराष्ट्र में प्लांट लगाने को लेकर उत्सुक है, लेकिन साथ ही तमिलनाडु पर भी विचार कर रही है, क्योंकि तमिलनाडु पहले से ही ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत में पेट्रोल डीजल के दामों के आसमान पर पहुंचने के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड में तेजी देखने को मिली है। टाटा सहित कई कंपनियां ईवी के बढ़ते बाजार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिशों में लगी है। फिलहाल इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स का बोलबाला है। इसके साथ ही विदेशी कंपनियां भी अपनी ईवी के साथ भारत का रुख कर रही हैं। चीन की फेमस कंपनी BYD पहले ही अपने इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च कर चुकी है और अब इलोन मस्क की टेस्ला भी भारत में अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग की योजना बना रही है।